we do, making art, you and me, trying to find something to believe, because I'm running wild, I ain't running free, still got a lot of shit left to see, stuck in this town, and the town's stuck in me, always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day our names will be known, cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. Cause we're trying to fill the holes in our souls, trying to feel the music, let it take control. Stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. हेलो एवरीवन, शाम के टाइम पर यहाँ पे कई सारे लोग गुजर रहे हैं क्योंकि जो भी माता जी की झांकियाँ लगी है, झांकियाँ जो होती है ना सजावट, वो जो लगी है उन्हें देखने के लिए आजू बाजू के गांव से, फैजाबाद से जो भी लोग हैं वो निकलते हैं और बहुत ही मजे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ही है अनिका भी, यहाँ पर ये जीजा जी है, दीदी भी अभी बैठी थी और राज भी है, तो इन सारे लोगों को देखने में भी ना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग अभी नहीं निकलेंगे, इसलिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर हम लोग निकलेंगे और फिर कुछ झांकियाँ देवी जी की मैं आपको भी दिखाऊंगी, जो कि बहुत खूबसूरत पंडाल यहाँ पर लगते हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको पक्का। और इतनी भीड़ में मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाऊंगी, तो आराम से निकलते हैं, अपनी सिटी है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, और मैं आपको बता दूं भीड़ थोड़ा भी कम नहीं हुई है, तो फाइनली हम लोग का ही पेशेंस ख़त्म हो गया इंतज़ार करने का कि भीड़ कम हो। नहीं, अभी हम लोग और नहीं रुकने वाले और जाने वाले, इस भीड़ में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे। और दीदी आ रही है, दीदी आ जाओ, बहुत अच्छे से दिख रहे हो आप, चमक रहे हो एकदम। देखिए हमारी दीदी बहुत अच्छे से चमक रही है, बहुत सुंदर सा ड्रेस भी पहन लिया है। और अभी हम लोग किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? अच्छा, अम्मा के साथ। अम्मा सो गई है, खाना पीना खाकर सो गई है। बाय द वे दीदी, पता है आपको, अम्मा को इतना सब पूछते हैं, इतना पूछते हैं कि अम्मा फेमस हो गई है मेरे चैनल पर इतना ज़्यादा। अम्मा अम्मा हर जगह फेमस हो जाती है, तो यार मेरे चैनल पर भी बहुत फेमस है, राज के चैनल पर बहुत फेमस है, हर जगह अम्मा फेमस है। तो बस अभी मैं आपको भीड़ में लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि फैजाबाद की भीड़ क्या होती है ना। Hoping there's more, but knowing there's less. We gotta keep going and hope for the best. Walking the streets, just you and me. Trying to fill the void, trying not to bleed. Come on, baby.
द्रविणाम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा। तो हम लोग का दर्शन हो चुका है, बहुत भीड़ थी और इतने भीड़ में हम लोग ऐसे चल चलते गए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यानी मैंने बहुत टॉय भी खरीद लिए हैं और क्या बोलते हैं, मतलब अभी हम लोग घर आए हैं, लॉक वगैरह खोल लिया, डरना भीड़ से नहा कर धूल मिट्टी से, क्योंकि इतने सारे लोग जब ऊपर चलते हैं ना तो धूल वगैरह बहुत होती है। ओके, इसीलिए मैं ऊपर मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप देख के कल रात को मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा मेरे से व्लॉग ना होगा। और देखिए सुबह सुबह इधर कितनी धूप आती है, और जितनी भी डेकोरेशन कल रात में आपने देखी थी और जो भी भीड़ देखी थी वो सब चली गई है। देखिए डेकोरेशन निकाल कर भी हो चुकी है, सुबह 6 बजे से ही निकाल रहे थे और रोड भी इस समय एकदम खाली हो गई है। कल रात को ऑलमोस्ट 1-2 लाख तो इस रोड से चले ही चले हैं, और मतलब काफ़ी मतलब नज़ारा खतरनाक था कल यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। बस आज का प्लान थोड़ी देर में मैं बताती हूँ आपके साथ। दीदी भी उठ चुकी है, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी, हमारी देखिए अच्छी दिख रही हो। तो बस अभी थोड़ी देर में तैयार वगैरह होते फिर आपको प्लान बताते कि क्या है आज का। सो अनिका का लिए सारे टॉय जो है मार्केट से लेकर लाई है, ये देखिए डॉल, और इसके ये जो स्कर्ट है ये स्पॉन्ज की है, ये कलर वाली वॉच जो कल मैंने दिखाई थी, ये चेयर, और ये मिनियन जो ड्रम बजा रहा है कंगारू। अभी अनिका देखिए दूध पी रही है, और हाँ ये फिश। तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता सभी के लिए। हमारी जो कुक है वो सिर्फ लंच और डिनर बनाती है, ब्रेकफास्ट नहीं बनाती है, तो मेरे पास ड्यूटी आ गई है ब्रेकफास्ट बनाने की। और जैसे कि आपने देखा मैं बना रही हूँ ब्रेड के पकोड़े और मस्त तल रही हूँ उन्हें तेल में। तो बस नाश्ता बन रहा है तो मैं पहले बना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना है, बहुत सारे हैं तो बहुत ज़्यादा बनाना है, और फिर मैं आपको मिलती हूँ। ओके, तो मैं बहुत देर के बाद आपको मिल रही हूँ, आई थिंक आफ्टर ब्रेकफास्ट राइट, और उसके बाद नहाना धोना खाना पीना वगैरह और बहुत सारी गपशप, इतनी सारी कि नेवर एंडिंग। ऐसा होता है ना जब आप बहुत दिनों के बाद आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसा जा रहा है, मतलब वही हमारे सबके साथ हो रहा है। और आज जो मैंने लिप शेड लगाया है वो है NY बेकर 23 नंबर वाला ये शेड। मैं आपको बता दूँ NY बेक पर बहुत अच्छी सेल आ रही है और आ चुकी है जब आप ये देखेंगे तब, और आपको 5 लिपस्टिक के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ देना है। जी हाँ, आप NY बेक की कोई भी लिपस्टिक ले सकते हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे क्रेयॉन हो, और 5 लिपस्टिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ देना है। नीचे मैं आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन कोड दे दूंगी, उसे आप ट्राई करिएगा, यूज़ करिएगा और आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और NY बेक का ये जो शेड है आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल एवरीडे काइंड ऑफ है, और मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए ना मैं आपको क्विकली दे देती हूँ। ओके, उसके बाद मेरे पास है ये NY बेक की लिक्विड लिपस्टिक जो कि वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, और देखिए इस समय मैंने शेड नंबर 3 लगाया है जो कि है फर्स्ट डिवीजन टाइटल, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है लिप्स पर, बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेची नहीं है। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट NY बेक का शेड दिखाती हूँ। ओके, तो अब मैंने लगाया है NY बेक का लिप क्रेयॉन जो कि अगेन वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है लिप्स पर, मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप लोगों ने मेरे मुँह से तो NY बेक लिप क्रेयॉन के बारे में हमेशा ही सुना होगा,
तो ये है शेड नंबर 7 जो मैंने इस समय लगाया है। अगेन ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, एवरीडे के लिए परफेक्ट है। और उसके बाद अगर आपको कोई ब्राइट सा शेड चाहिए जो कि आपको इंस्टेंटली मतलब एक अलग ही अच्छा सा लुक दे, तो ये है शेड नंबर 6। और मैं आपको बता दूँ ये इस तरह से दिखता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सी द ब्राइटनेस, मैंने थोड़ा सा लगाया और आप पिगमेंटेशन इसका देख सकते हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट लिप क्रेयॉन है ये। तो अगर आपको 6 चाहिए तो 6 या 5-7 चाहिए तो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट शेड मैंने यहाँ पर लगाया है NYB की, ये मैट क्रीमी फिनिश वाली लिपस्टिक, और ये शेड नंबर 22 है। दी बेस्ट क्रीमी लिपस्टिक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इट्स वाटर प्रूफ एंड बहुत अच्छी लगती है लिप्स पर। और अगर आपको ऐसा थोड़ा सा हल्का सा ग्लॉसी लिप वाला लुक चाहिए ना, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए। सारी लिपस्टिक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विथ लिंक कूपन कोड। ओके एंड यस, मेरा बैकग्राउंड काफ़ी हाईफाई नहीं है, एज आई टोल्ड यू 100 साल पुराना घर है जिसको रिनोवेट करना है दिसंबर में, सो इट्स टोटली नेचुरल। 100 साल पुराने घर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इस घर में एक अलग ही ब्यूटी है जिसे मैं आपको दिखाऊंगी, राइट। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम ख़त्म करने, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है और मुझे थोड़ा काम ख़त्म करना है, और सब लोग आराम कर रहे हैं, अम्मा वगैरह सब लोग आराम कर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर आपको थोड़ा सा घुमाती फिराती हूँ। मेरा जो ससुराल है फुल टाइम पास वाला घर है, यहाँ पर आप खड़े हो गए ना 2-3 या 4-5 घंटा आपको पता नहीं चलेगा। और आज मार्केट बंद है बाय द वे, दशहरा है आज, यहाँ पर दशहरा है और हैप्पी दशहरा। अच्छा बारात निकल रही थी इधर, अच्छा उधर था। तो दीदी मुझे बोल रही है यहाँ पर एक कॉलेज है, कौन सा कॉलेज दीदी? गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर सारी देवी जी की मूर्तियाँ जमा की जाती है और उसके बाद विसर्जन के लिए निकलती है ना। तो विसर्जन होने में तो बहुत टाइम लग जाता होगा, रात में 12-1-2 बजे तक रहते हैं। तो दीदी मुझे बहुत देर से बोल रही है जाकर हो आओ, जाकर हो आओ, पर दीदी के जो भाई है वो कहीं और बिजी हो गए उनके दोस्त आ गए हैं तो वो उनके साथ गप्पे लड़ाने में बिजी है। और आते भी फैजाबाद इतने दिनों के बाद है तो दोस्त मित्रों को तो मिलना जब बनता ही है, मतलब यार यहीं से पले बड़े हैं तो जो उनके मित्र वगैरह हैं उनसे मिल लेते हैं, उनको भी अच्छा लग जाता है। वैसे दीदी आपकी सहेलियाँ वो नहीं आती आपसे मिलने? वो सब शादी हो गया, लड़कियों का कितना अलग होता है, वही देखो लड़कियों का ऐसे ही रहता है। मतलब मैं भी जाती हूँ ना दीदी, कोई नहीं मिलता है, जैसे आपका वैसे ही है, आदमियों का अच्छा होता है, उनके दोस्त आ जाते बराबर। जानते हो मेरा दोस्त आया बस कूद के पहुँच जाते। ओके तो अभी अभी शाम के नाश्ते के लिए मैगी बन रहा है और सब लोग मैगी खाने के शौकीन है हमारे घर में। अम्मा तो पता ही है आप सभी को, वैसे आप लोग मुझे बोलोगे कि अम्मा को मैगी मत दो, पर हमारी अम्मा बहुत शौकीन है मैगी खाने की। और बाकी सब तो है ही है, मतलब हम लोग भी कुछ कम नहीं है, अम्मा अगर पीछे नहीं है तो हम लोग भी कम नहीं है। और यहाँ पर आकर भी चने भिगोए जा रहे हैं। तो दीदी चने क्यों, राज के लिए? अम्मा, अच्छा अम्मा के लिए? दोनों, मुझे लगा कि राज ने डिमांड किया। अच्छा दोनों के लिए। तो भाई यहाँ पर भी चने भिगोए जा रहे हैं और इसका मतलब ये है कि कल से चना मेरे वीडियो में दिखने वाला है, मतलब चना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। दीदी बहुत मैं बोर हो गई हूँ चने से, मेरे घर में रोज चना 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 होता है, यहाँ पर भी बाबू भी खाएगा चना। तो यहाँ पर बहुत लोग हैं चना के पसंदीदे लोग, तो चलो अच्छी बात है, चना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा लग रहा है। ओके चलिए मैगी बन जाती है, हम लोग थोड़ा खा लेते हैं। दोपहर में मैं आपको बता दूँ मुझे थोड़ा काम करना था, मैं गई काम करने और उसके बाद काम तो बाजू में ही रह गया। मैं जो सोई हूँ मुझे पता नहीं दीदी जीजा जी कब चले गए, सोचो आप लोगों ने बताया भी नहीं, मैं सोए जा रही हूँ, किसी ने बताया भी नहीं जीजा चले गए।
और फिर राज आए, उनके दोस्त आए थे, आपको पता ही है, बोलते जीजा जी किधर है तुम, मैंने बोला दीदी जीजा जी, जीजा जी गए। तो कब आएंगे अभी देखो, जीजा जी बिजी रहते हैं, उनकी भी वकालत वगैरह चलती है तो बड़ा बिजी रहते हैं वो भी, तो आएंगे। तो मैगी खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर का जो वो बोलते माहौल है उसको एंजॉय किया, और अब आया है घर पर हांडी चिकन। जी हाँ, ये स्पेशली बनकर आता है, यहाँ पर बनाया जाता है, तो ऑर्डर दे दो तो बन जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और खुशबू जो है हमारे इतने बड़े घर में फैल चुकी है, और मैं आपको बता दूँ ये घर काफ़ी खुला खुला है फिर भी खुशबू फैल चुकी है, तो इसी से पता चल रहा है कि बहुत टेस्टी होने वाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हांडी की चिकन। तो ये देखिए हांडी दिख रही है आपको मिट्टी की, और ये फॉइल लगा हुआ है, तो इस तरह से हांडी में ही ये चिकन बनकर आया है। और ये देखिए दिख रहा है, ये हांडी वापस करना दीदी? नहीं नहीं। ओ नाइस, वेरी नाइस, और इसकी खुशबू खतरनाक आ रही है। गुड मॉर्निंग। तो कल के यमी यमी चिकन के बाद हम लोग खा पी के गप्पे शप्पे मार के जो सोए है कि मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई, मतलब यहाँ पर आने के बाद ब्लॉग करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये मोमेंट एंजॉय करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, और फिर आपके साथ शेयर भी करूँ, और आधे टाइम मैं भूल जा रही हूँ। और देखिए मैं कितना सोई हूँ कि एकदम उबली हुई लग रही देखो ना, ज़्यादा सूझी हुई नहीं लग रही हूँ, आँखें तो कुछ ज़्यादा ही सूज गए हैं, और मेरे बाल थोड़े रफ हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं, मैं बहुत कम सोई, चुप रहो। और यहाँ का जो बोरिंग वाटर होता है ना, उसकी वजह से मेरे बाल पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे कड़क कड़क हो गया, हाथ लगाओ ना मेरे बालों को। अच्छा है, पता नहीं मेरे को ना पानी बहुत अच्छा है। अरे मेरे बाल देखोगे ना पीछे से तो कैसे तो हो गए, पानी कमी नहीं है हमारी बिल्डिंग में, बड़ा पानी की कमी हो जाती है। आइए जाके बस एक बटन चालू, देखो आलू प्याज वाले भैया भी आ गए हैं वो देखिए, और सुबह छोटे शहर में तो ये सब, हाँ 8 बजे आ गए भैया, नहीं तो हम लोग को यहाँ पर तो शॉप खुलने के बाद ही ये सारी चीज़ें मिलती है। देखो और एक आलू पाली पैज वाले भैया आ गए हैं, और तुम उठी अभी हो 6 बजे से आ रहे, ट्रक भी आ गया देखिए, और एक आलू पैज आ गया। तो कल ना पूरी मार्केट बंद थी दशहरे के वजह से, बिल्कुल सूना सूना लग रहा था, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रही थी। और यहाँ पर ये वाली भी रिक्शा चलती है, ये वाली कौन सी बोलते यार इसको, ये वाली रिक्शा को कौन सी रिक्शा, ई रिक्शा चलती है। तो कल मार्केट बंद होने की वजह से ना बड़ा बोर मार रहा था, मतलब ऐसे हम लोग इधर आ रहे थे देख रहे थे बंद, इधर आ रहे थे, पर आज जब मार्केट खुल जाएगी ना ये सब, तब रौनक आएगी। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, परसों ब्लॉग चालू हुआ था, आज ख़त्म हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं, बट अब मैं अच्छे से ब्लॉग करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि ये मकबरा जो है, मुझे मेरी ननद जी बोल रही थी मकबरा अंदर से बहुत सुंदर है, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं पर मैं आज तक वो मकबरा के अंदर गई नहीं, जो कि हमारे घर के सामने, हाँ मतलब सोचिए ये आपको दिख रहा है, ये मकबरा है बेगम है ना, बहू बेगम मकबरा, और इसके अंदर मोर के पंख और बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसे मुझे तो मुझे जाना है पर मैं अभी तक नहीं गई हूँ, तो मैं इस बार प्लान करके आई हूँ कि मुझे अंदर जाना है। हॉर्न तो ऐसे बजाते कि चलो भाई मजा आ रही है बजा लो, हाँ एप्पल वाले भैया अभी आ गए हैं,
सब लोग आ गए। तो चलिए फिर मैं बाय बाय करती हूँ आपको इस ब्लॉग में से। और आज का जो रूटीन है, आज का जो दिन है, काफ़ी प्लान है, काफ़ी शेड्यूल है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा वाला है। ओके चलिए फिर बाय बाय। और अनिका को पूछिए मत, अनिका किधर है? अनिका हम लोग के साथ है ही नहीं, कभी अपनी दादी को चिपकी रहती है, कभी बुआ को, कभी चाचा को, और फुफा जी कल तो चले गए, नहीं तो फुफा जी को चिपकी रहती थी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमारे साथ है।